आज हम ऐसे ब्रांड न्यू फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। इस फ़ोन की बात करें तो यह 4 GB रैम है और 64 GB रोम है। यह ओप्पो F9 फ़ोन है, मिड ब्लैक। इस फ़ोन की बात करें तो यह हमें डुअल कैमरा, रियल 60 MP फ्रंट कैमरा, यही सब दिखाया गया है, मेंशन किया गया है। बात करें इस फ़ोन की तो फ़ोन का जो है प्राइस 21,990 रुपये है। बाकी फ़ोन डिपेंड करता है ऑफ़र क्या चलता है क्या नहीं, तो बॉक्स प्राइस है। बाकी इस फ़ोन की बात करें तो हमें इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन की बात करें तो F9 सीरीज़ का फ़ोन है, जो कि F9 है, F9 प्रो है। F9 प्रो थोड़ा महंगा है इससे। बाकी फ़ोन की बात करें तो फ़ोन का क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। सील को ब्रेक करते हैं, हम देखते हैं। हमें इस फ़ोन की बात करें तो ये फ़ोन अराउंड करीब 14-15 हज़ार में मिल जाता है, डिपेंड करता है ऑफ़र क्या चल रहा है। बाकी फ़ोन की बात करें तो यह ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, मीडिया टेक P60 का। इसके डिस्प्ले की बात करें तो यह 6.3 इंच फुल HD IPS LCD है। इसका कैमरा 16+2 MP का बैक है और 16 MP का रियल कैमरा है। बैटरी 35 mAh और फास्ट चार्जिंग। स्पेक्स जो है F9 F9 प्रो दोनों सेम ही हैं, प्रोसेसर भी सेम ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही कैमरा का है। उसमें फ्रंट 25 मिलता है, इसमें 16 मिलता है। बाकी हमें एक ट्रांसपोर्ट केस और इसमें इम्यूलेटर टूल मिलता है। आगे बात करें तो हमें इसमें फास्ट चार्जिंग को देखने को मिलता है, लेकिन फास्ट चार्ज बॉक्स में नहीं मिलता जो F9 में मिलता है। दो चार चीज़ें कमियां हैं, बाकी सब सेम ही हैं। बाकी हमने फ़ोन को ऑन हो गया जैसे हमने कवर से बाहर निकाला, क्योंकि कवर थोड़ा टाइट था। बाकी बात करें इस फ़ोन की तो यह फ़ोन अराउंड काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। बात करें स्पेक्स, ये डुअल सिम वर्ल्टी सपोर्ट करता है। इसकी वेट की बात करें तो ये 169 ग्राम का है, ब्लैक कलर और पर्पल कलर में, दो कलर में आता है। इसका चार्जर भी ठीक ठाक ही है, फ़ोन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर फास्ट चार्जर नहीं है बॉक्स में। बाकी अगर F9 नहीं ले पाने का बजट है तो F9 प्रो नहीं लेने का बजट है तो F9 ले सकते हैं। बाकी इसका कैमरा भी ठीक ही है। हमें माइक्रो USB केबल मिलता है और हमें हेडफोन देखने को मिलता है। इसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है एंड हमें कवर भी मिल जाता है, जो कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह ओप्पो वीवो में काफ़ी बढ़िया बात होती है। बाकी दूसरे कंपनियों में कवर ही देते हैं, गार्ड तो लगा के नहीं देते हैं। बाकी रियल मी भी ऐसे ही करता है, रियल मी भी मिल जाता है कवर गार्ड। बाकी इन सब बॉक्स को साइड में रखते हैं, सीधे फ़ोन को सेटअप करते हैं और देखते हैं फ़ोन बॉक्स कंटेंट यही था। फ़ोन काफ़ी बढ़िया हार्डवेयर इसका। इसकी बात करें तो यह जो है इसका डिस्प्ले 6.3 इंच फुल HD है, IPS LCD, गुरिल्ला ग्लास इसमें 3 मिलता है प्रोटेक्शन के लिए। बात करें इसका फ़ोन की तो फ़ोन ब्लैक कलर में काफ़ी शाइन मार रहा है, काफ़ी बॉडी इसकी प्लास्टिक की है लेकिन जो शाइनिंग है काफ़ी मेटल ग्लास दिख रहा है। बाकी फ़ोन ब्लैक में काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, लाइट का इफेक्ट दिख रहा है। इसकी बैटरी 3500 mAh की है। बाकी 3G 2G 4G सब सपोर्ट करता है। इसके फिंगरप्रिंट पीछे है। बात करें इस फ़ोन के नीचे हमें माइक्रो USB केबल मिलता है, माइक मिलता है, 3.0 जैक और स्पीकर। हमें लेफ्ट में पावर बटन, वॉल्यूम डब अप और हमें सिम रिजेक्टर मिलता है, इसमें सिम ट्रे, और राइट में पावर बटन। ऊपर हमें ऑटो टॉप नॉच मिलता है जो कि 16 MP कैमरा है। बात करें तो ये एक IPL एडिशन का फ़ोन है, इसमें मेंशन किया कि IPL नहीं है, इसमें लिखा टीम स्पोर्ट्स करके है। बाकी ओप्पो ज़्यादा करके फ़ोन में एडवर्टाइजमेंट करती है। बाकी फ़ोन हमें ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, हाइब्रिड स्लॉट नहीं दिखता।
बाकी हम इसको बाद में चेक करेंगे, पहले अब बाकी देख लेते हैं। देखते हैं तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, वर्ल्टी सपोर्ट वाला फ़ोन है यह। छोटा मेरा अनबॉक्सिंग फ़ोन है, बाकी इसका यही कैमरा बैटरी यही 100 फीचर मेंशन किया गया है बॉक्स में, यही सब है। बाकी फ्यूचर में फ़ोन यूज़ करेंगे, उसका कैमरा टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसा फोन करता है कैसा नहीं। F9 प्रो से थोड़ा सस्ता है, बाकी अगर F9 प्रो नहीं ले पाते तो F9 ले सकते हो। बाकी फ़ोन का ही मेरा छोटा सा अनबॉक्सिंग था, मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।